सभी को नमस्कार। आज एक ऐसे रोग की चर्चा करेंगे जिसको पूरी दुनिया हल्के में लेती है। वास्तव में प्रतिवर्ष भारत में, अकेले भारत में, एक वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा नए इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। नाम है अस्थमा, दमा, सांस का फूलना। आप ऐसे एक व्यक्ति को याद करिए, इसी समय करिए, जिनको आप जानते हो, और वो दमा पेशेंट था, गुजर गया। कोई व्यक्ति उस गुजरे हुए व्यक्ति के लिए ये नहीं बोलेगा कि उसने ज़्यादा उम्र पाई है। हकीकत में श्वास नलियों जो है इसमें सिकुड़न के कारण ये अस्थमा की बीमारी हो जाती है। कभी कभी तो ये बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि मुंह के नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेना पड़ जाता है। हकीकत में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन आप जानते हो शरीर के लिए, हर अंग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई बार तो ये बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि दिल का दौरा तक पड़ जाता है। मैं अभी आपको ऐसा जबरदस्त घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, उस नुस्खे से 90% लोगों ने 100% अस्थमा से निजात मिली है। दमा रोग को पूर्णतः जड़ मूल से नष्ट किया है। समाधान सुनने से पहले, अगर आप नए दर्शक हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और सबसे पहले नया वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आप प्राप्त करिए। 125 ग्राम के आसपास जो सेंधा नमक है, जिसको सच्चर भी बोलते हैं, ये ले लीजिए। लोहारी जो हल्के गुलाबी रंग का होता है, उसको पीट कूट कूट पीस के एकदम बारीक बना दीजिए, एकदम बारीक बना के छान लीजिए। 1 से 5 दिन 5-1 ग्राम की पुड़िया बना लीजिए, 2-2 ग्राम की 5 पुड़िया बना लीजिए, 3-3 ग्राम की 5 पुड़िया बना लीजिए, 4-4 ग्राम की 5 पुड़िया बना लीजिए, 5-5 ग्राम की 5 पुड़िया बना लीजिए, 6-6 ग्राम की 5 पुड़िया बना लीजिए। पहले दिन वो 1 ग्राम की पुड़िया है, उसको आप शाम को सोते समय, खाना खाने के पश्चात हाथ में ले लीजिए, वो 1 ग्राम वाली पुड़ी डाल दीजिए हथेली में, और उसको चाट लीजिए, धीरे धीरे चाट लीजिए। दूसरे 5 दिन तक ये 1-1 ग्राम की पुड़िया ही काम में लेनी है। फिर दूसरे दिन से 2-2 ग्राम वाली, छठे दिन से 2-2 ग्राम वाली, और फिर 5 दिन 3-3 ग्राम वाली, फिर 5 दिन 4-4 ग्राम की, ऐसे आप काम में ले लीजिए। 30 दिन का ये कोर्स ले लीजिए, और इसमें साथ साथ विशेष सावधानी ये कि घर के अंदर सारे लोगों को ये भी सेंधा नमक ही प्रयोग करें तो बहुत बेहतरीन होगा। 3 साल में के पश्चात एक बार इसको पुनरावृत्ति कर दीजिए। अस्थमा हमेशा के लिए गायब। एक बात और, अगर आप आपके ऐसे निकट व्यक्ति का नवजीवन बनाना चाहते, नया जीवन देना चाहते हैं अस्थमा से रोग मुक्त करके, तो आप ये वैल्यूबल जानकारी उसको फॉरवर्ड करिए, दुआएं कमाइए, शेयर करिए, और इस वैल्यूबल जानकारी के लिए 1 लाइक मेरे लिए बनता है। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में नेक्स्ट बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय स्वास्थ्य।